अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं बख्तियार सफ़र। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या जो बीए या एडीए के स्टूडेंट हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वीडियो इंतहाई अहम है और इनकी इसके बारे में हम आपको बताएँगे कि फ्यूचर में आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो प्रोटेक्शन देता है, आप किस सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। यूँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं मार्केट के अंदर, यूनिवर्सिटियाँ भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऑफर कर रही हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन है जो आपको सबसे पहले जल्दी जॉब ऑफर करेगा, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और ये एडमिशन आप कहाँ पर ले सकते हैं, ये सारी मालूमात उन FA और BA के स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एडमिशन कहीं ना कहीं पे लेना चाहते हैं। एडमिशन लेने से पहले आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है और आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखने से पहले या वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें, ताकि आइकन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैंने शुरू में कहा था कि ये जो हमारी वीडियो है ख़ास तौर पे FA और BA पास तलबा के लिए है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो किन यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन लें और किन सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लें। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ BA वालों की, ADA वालों की। BA का नाम अब चेंज हो के ADA हो गया है, एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स। तो ये जो बच्चे हैं ये अब कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो इनको एक बात ज़हन-नशीन रखनी चाहिए कि अब जो गवर्नमेंट है HEC है उसने MA की डिग्री ख़त्म कर दी है। HEC ने जो MA की डिग्री ख़त्म की है, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जिन बच्चों ने या बच्चियों ने BA की डिग्री मुकम्मल कर रखी है तो वो अब MA किस सब्जेक्ट के अंदर करें और कैसे करें। तो उनके सवाल का एक ही जवाब है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो आपको 5th सेमेस्टर BS के 5वें सेमेस्टर के अंदर आपको एडमिशन की परमिशन देती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। HEC की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक वो यूनिवर्सिटियां आपको पाबंद हैं कि आपकी डिग्री आगे मुकम्मल करने के लिए कि आप 5वें सेमेस्टर में बैठेंगे और या बैठेंगी, तो जब आपके 8 सेमेस्टर मुकम्मल हो जाएंगे तो वो आपको डिग्री अलाट कर देंगे। तो ये सवाल यहाँ पर हल हो गया। इसी तरह अब आते हैं कि इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस सब्जेक्ट के अंदर BS कर सकते हैं, और लाइब्रेरी साइंस जो है वो मेरी नज़र में सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है। ये बात तो हो गई BA वालों की। अब आप आते हैं इंटरमीडिएट वालों के लिए कि वो एडमिशन कहाँ पे ले सकते हैं। तो तमाम पाकिस्तान भर से तमाम जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो BS मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर ऑफर कर रही हैं। तमाम आज की जो वीडियो है इसमें बताने का मकसद ये था, या ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको चंद वो सब्जेक्ट बता दिए जाएँ जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर जाके आपकी खपत बहुत ज़्यादा हो सकती है और आपको जॉब बहुत जल्द मिल सकती है। आम सा फार्मूला है कि कभी भी रेडी वाला वो फ्रूट नहीं लाता जो बिक ना सके, किराने वाला सामान अपनी दुकान पे नहीं रखता जो बिक ना सके। जो डिग्री आप लेने जा रहे हैं वो डिग्री ऐसी होनी चाहिए जिसकी मार्केट वैल्यू और मार्केट में आपको जल्द से जल्द जॉब ऑफर करे, वो सबसे बेहतरीन डिग्री है। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि आप किन किन सब्जेक्ट के अंदर चॉइसिस अब मैं आपको बताऊँगा। जो ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट और BA के लोग हैं दोनों के लिए अब मैं सब्जेक्ट आपको बताने लगा हूँ कि सबसे पहले जो हालिया मुख्तलिफ कमीशन्स के अंदर जॉब्स आई हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध जो है सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर, या KPK का है या बलूचिस्तान का है, तो उसके अंदर सबसे कम जो कंपटीशन था या सबसे कम जिसके ऊपर लोगों ने अप्लाई किया वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो आपको भी उनके मद्देनज़र रखते हुए आप इन सब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं। इन सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप क्लर्क की जॉब के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्लर्क लगे पुलिस में चले जाएं, या छोटी मोटी जो क्लास 4 की जॉब्स है वो तो आपको इंटरमीडिएट और BA लेवल पे ही मिल जाएंगे। अगर आपके ख्वाब अच्छे हैं, आपके ड्रीम्स जो हैं वो बहुत बुलंद है, आप सितारों पे कमंदे डालना चाहते हैं, एक अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं और आप एक बेहतरीन जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर एडमिशन लेना है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आप किसी भी लैंग्वेज का इंतखाब कर लें, किसी भी लैंग्वेज का, लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और उर्दू को मेरा ख्याल है
कि आप ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं और इंग्लिश जो है मेन आपको बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, जो आप CSS करेंगे तो उसमें भी आपको ये हेल्प आउट करता है, बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात के लिए आपका ये सब्जेक्ट बेहतरीन है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर चौथा आदमी जो है वो आप देखेंगे तो MA इंग्लिश कर रहा हो। इसी तरह उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब आते हैं लोकल लैंग्वेज की तरफ, मसलन पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बलोची है, अगर ये यूनिवर्सिटियाँ ऑफ़र कर रही हैं तो आप सबसे पहले इनके अंदर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर एडमिशन ले लें। इनके अंदर कंपटीशन जो है वो बहुत कम होता है और कंपिटेंट लोग जो है इस लोकल लैंग्वेज की जो डिग्रियाँ हैं इसके अंदर बहुत कम मिलते हैं, तो सबसे पहले ये डिग्री आपको कर लेनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जियोग्राफी की तरफ। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अभी हाल ही में जो पंजाब के अंदर पंजाब सर्विस कमीशन ने जियोग्राफी लेक्चरर के लिए जॉब्स ऑफर की थी, तो उसमें इसके अंदर सबसे कम कम्पीट जो एप्लीकेशन थी वो इसके अंदर आए थे और इसके जो कम्पिटेटर थे इसके अंदर वो भी बहुत कम तादाद के अंदर थे। तो मैं आपको नेक्स्ट डिग्री या जो डिपार्टमेंट ऑफर करने लगा हूँ या बताने लगा हूँ कि वो आप जियोग्राफी डिपार्टमेंट की तरफ जाइए, बहुत अच्छा इसके अंदर आपको जॉब मिल, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको जॉब आपकी सिक्योर करेगा और जल्दी आपको जॉब दे देगा, जिसके अंदर कम कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम अब एक मेन सब्जेक्ट की तरफ, जो मेरा अपना भी सब्जेक्ट है, मेरा मैं उसी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस का। इसके अंदर सबसे कम कंपटीशन होता है, तो आप लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है इसको आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ इसको ऑफ़र कर रही हैं इस सब्जेक्ट को, तो आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आप इस डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई आप करेंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम पे आएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है आप उसको चूज़ करेंगे, ना कि आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करते फिरे। वहाँ पे जब आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का शायद नाम ना आए, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का नाम है, तो आपने इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये लाइब्रेरी साइंस का मुतबादल नेम है, न्यू नेम है, जिसके तहत आप डिग्रियाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी और इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर आप इसको कर रही है। लाइब्रेरी साइंस इस लिहाज से नुमाया सब्जेक्ट है या इसके अंदर स्कोप ज़्यादा है, इसके अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है, लोग बहुत कम होते हैं। इसकी एक हालिया जो मिसाल है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की है कि जिसमें 400 450 से ज़्यादा सीटें आई थी, उन्होंने एडवर्टाइज़ की, तो जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल है कि एक सीट के अगेंस्ट जब इंटरव्यू के लिए टेस्ट के बाद वो कॉल करते हैं तो पांच लोगों को कॉल करते हैं, अगर पांच लोग एक ही कंपटीशन पे हैं या एक ही उनका मेरिट बन रहा है या उससे एक सीट के अगेंस्ट मेरिट पे एक से ज़ायद या पाँच से ज़ायद लोग आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, उनका मेरिट जो है वो एक जैसा बन रहा है, तो वो 10-12 को भी कॉल कर सकते हैं। जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया तो टोटल सीट के अगेंस्ट इंटरव्यू के लिए लोगों को कॉल करना था या लोगों को बुलाना था कि जो इंटरव्यू उनके लिए रिक्वायरमेंट थी, इंटरव्यू के लिए इतने लोगों ने, यानी कि लाजमी है, तो उससे भी कम तादाद के अंदर जो टोटल एप्लीकेशन लाइब्रेरी साइंस की आई तो इस सब्जेक्ट के अंदर आई थी, बहुत कम एप्लीकेशनें यहाँ पर आईं, और इस वजह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनका टेस्ट नहीं लिया और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी, और इंटरव्यू के ऊपर ही, सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पे उनकी सिलेक्शन हुई और वो अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर लाइब्रेरियन की जॉब्स के ऊपर अब वो काम कर रहे हैं। तो यूँ आपका अगर जॉब आपने सिक्योर करनी है, आप अपना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द एडजस्ट हो जाऊं, तो आप इस लाइब्रेरी साइंस की डिग्री को ज़रूर अडॉप्ट करें और इस फील्ड में जाएं। अब यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि डिग्रियाँ सारी अच्छी होती हैं, मैं किसी डिग्री को डिग्रेड नहीं कर रहा, ना किसी डिग्री को ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटी बताना है कि माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर वही चीज़ की तरफ जाना चाहिए जिसकी ज़्यादा डिमांड हो या जहाँ पे आप ज़्यादा सिक्योर हो सकते हो, आपका नुकसान ना हो, आप जो इतना ख़र्चा करके कोई डिग्री हासिल कर लें तो, और आपको वो आगे फिर जाके जॉब ही ना दे सके, तो उससे बेहतर है कि आप इस डिग्री की तरफ जाएं जो आपको जॉब दे या जॉब के अंदर आपको महफूज कर दे। तो डिग्री सारी अच्छी होती, कोई डिग्री बुरी नहीं होती, उसके साथ साथ आपका अपने सब्जेक्ट के साथ लॉयल होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ ही मुखलिस नहीं हैं, अगर उस सब्जेक्ट को आप जस्ट सिर्फ जॉब हासिल करने के लिए रख रहे हैं या जॉब हासिल करने के लिए उस डिग्री को ले रहे हैं, तो यकीनी तौर पे आप
शायद बेहतर तरीके से आपको जॉब ना मिल सके या आसानी से ना मिल सके। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाने के बुनियादी जो असूल होता है वो ये होता है कि आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के अंदर हो, और आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट के अंदर होने के साथ साथ आप एक लगाव, एक मोहब्बत और जुनून की हद तक उस सब्जेक्ट के साथ एफिलेट हो जाएं, तो फिर आप उस सब्जेक्ट को सीखेंगे भी, उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे भी, आपका दिल करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के बारे में जानूं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके मुतालिक जो है वो मुतालिया करूं। जब आप मुतालिया आपका वसी होगा, अपने सब्जेक्ट के मुतालिक आपका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होगा, तो यकीनी तौर पे आपका जो ग्रेड है या CGPA होगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और आप जब जॉब में जाएंगे, इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, टेस्ट में बैठेंगे, तो यकीनी तौर पे आपके नंबर जो हैं वो दूसरों से नुमाया होंगे। तो ये मेरी हेल्थ एंड फिज़िकल का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। अरबी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो आप इनके अंदर जाके अपने फ्यूचर को सेव करें, लेकिन अपने सब्जेक्ट के साथ लॉयल ज़रूर रहें, और कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट आपने रखा है उसको बिल्कुल डीपली उसकी तैयारी करें, अभी से उसके ऊपर फोकस करें, और उस सब्जेक्ट की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकें। तो चलिए, बहुत सारी इदारे पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप जैसे ही रिज़ल्ट आए आप अप्लाई करें और यूनिवर्सिटी की लाइफ को इंजॉय करें, और इन सब्जेक्ट के साथ जो आपको अच्छा लगे उस सब्जेक्ट में जाएँ और उसके साथ आएँ। मुख्तलिफ आप किताब से मोहब्बत करते हैं, कुतुब खानों से आपको मोहब्बत है, तो लाइब्रेरी साइंस से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं, आप इसमें एडमिशन लें, यकीनी तौर पे किताब से आपकी दोस्ती है वो लाजवाल हो जाएगी। तो चलिए जी, आखिर पे उसे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और आप यूनिवर्सिटियों के अंदर जाएँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अप्लाई करें, जहाँ पर आपका मेरिट बने तो वहाँ पर आप एडमिशन लें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, स्टडी को कभी ना छोड़ें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।